वीडियो देखकर अपनी राय जरूर दें, लाइक शेयर भी करें, न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले वरिंदर सहवाग को मौकी खाना पड़ गई। साबिक बल्लेबाज को बड़ा झटका, इंडियन टीम के लिए नए कोच के तौर पर वरिंदर सहवाग की दरखास्त रद्द कर दी गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने बहुत गौर और हौस के बाद बालाखरी रवि शास्त्री को भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। रवि शास्त्री इससे कबल 16 से 2008 में भारतीय क्रिकेट टीम के डायरेक्टर थे, जब अनिल कुंबले ने हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली थी। दिलचस्प अमर ये है कि चैंपियन ट्रॉफी के दौरान ही हेड कोच की असामी के लिए दरखास्तें तलब की गई थी, जिस पर 10 अफराद ने बोर्ड से रुजू किया था, जिनमें से 5 के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए और क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने उनके इंटरव्यू लिए। इंटरव्यूज के बाद जल्द ही नए कोच के ऐलान की तवक्को की जा रही थी। ताहम साबिक कप्तान सौरव गंगुली ने इंकशाफ किया कि वो इससे पहले टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ मशविरा करना चाहते हैं। हेड कोच की असामी के लिए दरखास्तें जमा कराने वालों में से जिन 5 अफराद के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे, उनमें रिचर्ड पाइबस, लालचंद राजपूत, टॉम मूडी, वरिंदर सहवाग और रवि शास्त्री शामिल थे। और भारतीय मीडिया के मुताबिक रवि शास्त्री से इंटरव्यू के दौरान कई सवाल किए गए। ताहम बिलाखर वीडियो देखकर अपनी राय जरूर दें, लाइक शेयर भी करें, न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया।